नमस्कार, ससी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम चावल के लड्डू बनाएंगे, जो करवा चौथ पर बनाए जाते हैं, आपके यहाँ भी बनाए जाते होंगे, जो बनाने में बहुत ही आसान है पर खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होते हैं, और आप कभी भी बनाकर इनको खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसमें क्या क्या सामग्री लगती है। चावल की पिन्नी बनाने के लिए सबसे पहले हम चावल का आटा लेंगे। ये आटा हमारा 1/2 kg है, इसको हमने खूब अच्छे से छान लिया है। इसी के आधा हमने चीनी लिया है, चीनी हमारी 250 ग्राम है, और 200 ग्राम हमने मावा लिया है, मावा को हमने भून के रख लिया है, और 2 चम्मच के लगभग हमने घी लिया है आटे को भूनने के लिए, 3 से 4 चम्मच ये बादाम है कटे हुए, 2 चम्मच ये पिस्ता है कटा हुआ, 3 से 4 चम्मच किशमिश है, 5 से 6 चम्मच ये ग्रेटेड नारियल है, ये सूखा नारियल है, इसको घर में ही हमने कद्दूकस कर लिया है, और ये 3 से 4 चम्मच काजू है। तो अब हम आटे को भूनेंगे। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम इस चावल के आटे को डालेंगे और इसको धीमी आंच में धीरे धीरे भून लेंगे। इसको हमें ऐसे लगातार चलाते हुए भूनना है, नहीं तो हमारा चावल नीचे से जलने लगेगा। और इसे हमें बहुत ज्यादा देर तक भी नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज ना होने पाए, बस हल्की सी खुशबू आने लगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसको कच्चा भी हम बना सकते हैं, बहुत लोग इसको कच्चा भी बनाते हैं, कच्ची ही पिंडी बना के चढ़ाते हैं और खाते भी हैं, लेकिन हम इसको हल्का सा भून रहे हैं। भूनते हुए लगभग इसको 5 मिनट हो गए हैं। आंच को हमने मीडियम और स्लो ही रखा है, और देखिए अब खुशबू आने लगी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं आटा हमारा भून गया है और इसको एक प्लेट में हमने निकाल लिया है। अब हम चाशनी बनाएंगे। आप चाहें तो बिना चाशनी के भी बना सकते हैं, लेकिन चाशनी से बने लड्डू लंबे समय तक चलते हैं। तो सब अब हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी हमारी 250 ग्राम है, और इसमें अभी हम 1 पाव पानी डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे मेल्ट होने तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम और स्लो ही रखेंगे, और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन हम कच्चे ही डाल रहे हैं, आप उनको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा आटा हमने निकाल लिया है 1 कटोरी के लगभग। इसको हम बिना चाशनी वाला बनाएंगे, और ये चाशनी वाला बनाएंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी बचा लेंगे, तो आपको एक ही समय में 2 तरह के लड्डू बनाने आ जाएंगे। चाशनी खूब अच्छे से पक रही है, चीनी मेल्ट हो गई है, इसमें हमें कोई तार नहीं बनाना है, बस हल्की सी चिपचिपी हो जाए। 5 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें हमने मावा भी डाल दिया है, ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं, इसको हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे, फिर चाशनी डाल के इसको बांधेंगे। इसको हाथ की सहायता से हम खूब अच्छे से मिला लेंगे, खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मावा जो है, मावा और ड्राई फ्रूट सब अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। अभी हम आधे आटे का पहले बनाएंगे, नहीं तो जब ठंडा हो जाता है तो थोड़ा सा बनने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पहले हम आधे में डालेंगे। अंदाज से आप डालते जाइए और उसको हाथ से ऐसे मिला लीजिए, ऐसे देख लीजिए। अगर आपका लड्डू बनने लगा है तो फिर अब और चाशनी आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से बन रहा है। तो अब इसमें हम और चाशनी नहीं मिलाएंगे, गर्म रहता है तो थोड़ा बांधने में आसानी रहती है। और चाहें तो आप इस डिजाइन से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी लोग इसी डिजाइन की पिन्नी बनाती थी पूजा के लिए। ये देखिए, ये भी आसानी से बन जाता है, वो भी आसानी से बन जाता है, जो आपको आसान लगे वो आप बना लीजिए। ये देखिए, जो बाकी का बचा था उसमें भी हमने चाशनी को मिक्स करके रख लिया है। अब इसके हम गोल गोल लड्डू ऐसे देखिए बना लेंगे।
जब ये ठंडा होगा तो ये थोड़े सख्त हो जाएंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। अगर इलायची पाउडर का फ्लेवर आपको पसंद है तो आप इलायची पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, हमने जो आटा बचा रखा था, अब बिना चाशनी वाला लड्डू हम आपको बना के दिखाते हैं। ये इसमें हम मावा डाल देंगे। ये हमारा ग्रेटेड नारियल है, आप नारियल को काट के भी डाल सकते हैं, आप तिल भी डाल सकते हैं। ये हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए और इन सबको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दो कटोरी हमारा आटा था, दो कटोरी हमने ये आटा बचाया था, तो एक कटोरी हम चीनी लेंगे। इसमें हम दूध के छींटे डालेंगे। दूध हमारा बॉईल किया हुआ है पर ठंडा है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे ये गीला ना होने पाए, और इसको भी हम छोटे छोटे लड्डू इसके भी हम बना लेंगे। अच्छे से गोल लड्डू बन रहे हैं, इसी तरह से हम इसके भी सारे लड्डू बना लेंगे। इस तरह से हमने सारे लड्डू बना लिए हैं। ये लड्डू और ये पिन्नी मेरे चाशनी वाले हैं, और ये मेरे बिना चाशनी वाले हैं। हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।